नमस्ते। आज हम वो त्यौहार की या उत्सव की बात करेंगे जो सार्वजनिक है, जो सार्वकालिक है। जन्माष्टमी कृष्ण के बाद आई, रामनवमी राम के जन्म के बाद मनाने लगे। कोई भी त्यौहार या उत्सव है उसके पहले एक घटना जुड़ी है और वो घटना के बाद वो त्यौहार का एक स्वरूप आया है। जैसे होली है, वो प्रह्लाद के बाद में हम मनाने लगे, वो उत्सव के रूप में मनाने लगे। दीपावली है तो उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारा इतिहास है। लेकिन एक उत्सव केवल ऐसा है जिसके पहले या जिसके मूल में कोई कहानी नहीं है, कोई घटना नहीं है। मानो कि ऐसा है कि रक्षाबंधन के दिन उसने उसको राखी बांधी थी रक्षा के लिए, तो ऐसा है कि हाँ इस दिन इसने ऐसा बांधी थी, इसने ऐसी रक्षा का किया था और ऐसा ऐसा हुआ था, इसके बाद में ये उत्सव शुरू हो गया। या आप देख ले कि होली है तो उसके भी आगे पीछे कुछ कहानी होती है, दीपावली के भी आगे पीछे कुछ कहानी होती है। लेकिन एक उत्सव ऐसा है कि जो जिसके आगे पीछे कोई कहानी नहीं है कि एक बार किसी ने गुरु पूजन किया था और उस दिन से ये गुरु पूर्णिमा का महत्व आया, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा इतिहास, पुराण में भी नहीं है, इतिहास जाने दे, क्योंकि वो कहानी से घटना से नहीं जुड़ा है, वो तत्व से जुड़ा है। वो जो तत्व है वो मनुष्य जाति जब से है तब से वो तत्व अस्तित्व में है और वो केवल भारत में ही नहीं है, वो पूरे विश्व में है, जो एक गुरु की संकल्पना है। तो जिसने भी ये उत्सव को रखा गुरु पूर्णिमा का, वो बहुत ही चेतना प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए ताकि उन्होंने सब कुछ मायने रख के ध्यान में रखते हुए उत्सव की संकल्पना की। तो उसमें सर्वप्रथम ये जो सारे त्यौहार आते हैं अलग 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 मास में, ये त्यौहार आषाढ़ मास में आता है और यदि आप और कैलेंडर देखें तो श्रावण में ज्यादा से ज्यादा आता है। तो एक तो ये जब बारिश आती है, जब आदान का काल है, जब मतलब कुछ लेने का है पृथ्वी की ओर से, तब ये उत्सव आता है आषाढ़ में। जब सबसे ज्यादा प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है, आषाढ़ में सबसे ज्यादा प्राप्ति नहीं होती है, या सावन में प्राप्ति की संभावना होती है। प्राप्ति तो जो फसल आती है उसका दीपावली के ऊपर होता है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन प्राप्ति की संभावना जो है वो आषाढ़ महीने में होती है या सावन महीने में होती है, क्योंकि उस टाइम जो बारिश आएगी वो कितनी कैसी आएगी उसके हिसाब से ही फसल कैसी होगी उसका निर्णय हो सकता है। तो ये एक संभावना का मास है पहला। दूसरी बात, तिथि रखी गई तो ऐसे तो एकादशी पवित्र तिथि है, लेकिन एकादशी भी अपूर्ण है, बाकी सब तिथियां अपूर्ण है, लेकिन पूर्ण एक तिथि है, वो है पूर्णिमा, जो पूर्ण प्रकाश के प्रतिनिधि के स्वरूप हम मनाते हैं पूर्णिमा को, हर एक पूर्णिमा को। तो ये भी पूर्णिमा पूर्णता का जिक्र करती है। पूर्णता कोई व्यक्ति से जुड़ी नहीं है, लेकिन पूर्णता एक तत्व से जुड़ी है जिसका नाम ही गुरु है। वो अंश में तो पूर्ण ही है और उसको पूर्ण मानना वो जरूरी भी है। इसके लिए पूर्ण कहे जाने वाले कृष्ण के भी कोई गुरु है जो अपूर्ण है, वो दृष्टि से तो अपूर्ण को भी यदि जरूरत रहती है गुरु की तो अपूर्ण को तो रहेगी ही। जो प्राप्त चेतना वाली व्यक्ति रही उसके कोई गुरु है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको गुरु की जरूरत है, क्योंकि वो पूर्ण है तो जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी है। क्यों? क्योंकि उसके अस्तित्व को, उसके प्रदान को नकारा नहीं जा सकता है। जिसको जीवन से निकाला ही नहीं जा सकता है, वो संभव ही नहीं होता है, वो स्थान गुरु का है। तो
तो ऐसा नहीं है कि गुरु आप 50, 60 साल, 70 साल के बाद करें, तब तक गुरु की आवश्यकता नहीं थी, 70 साल पे गुरु की है। गुरु की आवश्यकता जन्म से नहीं, गर्भ से ही है, क्योंकि वो पूर्णता का रास्ता दिखाता है, वो पूर्णता की ओर ले जाने के लिए एक मार्गदर्शक बनता है। तो गुरु को किसी से जुड़ा है, जुड़ाव है, तो भौतिकता से जुड़ाव नहीं है, अपितु पूर्णता से जुड़ाव है। बस इस हेतु को लेकर ये त्यौहार भारत में अस्तित्व में आया। लेकिन ये त्यौहार केवल भारत का नहीं है, जन्माष्टमी हो सकता है भारत का ही त्यौहार हो, क्योंकि कृष्ण को मानने वाले ज़्यादातर भारतीय होंगे। रामनवमी भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू लोग मनाएंगे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई नहीं मनाएंगे, क्योंकि वो राम से जुड़ा त्यौहार है। लेकिन गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार है जो हर किसी व्यक्ति के लिए यह त्यौहार है। ये कोई देशिक त्यौहार नहीं है, सार्वत्रिक, सार्वभौमिक त्यौहार है। तो गुरु पूर्णिमा पर आज जो गुरु ने हमको दिया, जो गुरु से हमने पाया, उसका विचार करने का ये दिन है। और गुरु 365 दिन देता है, शिष्य के देने के लिए कुछ एक दिन है, एक दिन है शिष्य के देने के लिए, वो ये दिन है। आदान 365 दिन है, 64 भी नहीं, क्योंकि जब शिष्य देता है तभी भी गुरु उसको देता ही है। 365वां दिन ऐसा नहीं है कि गुरु देता नहीं है, 365वीं दिन ऐसा है कि जो आदान और प्रदान दोनों होते हैं गुरु की ओर से, बाकी 364 दिन केवल गुरु का प्रदान होता है, आदान नहीं होता है। तो ये जो दिन महत्व का है वो आदान और प्रदान का है। उस दिन कुछ भाव से शिष्य उनको देता है, वो भौतिक वस्तु नहीं देता है, भौतिक वस्तु मात्र एक देखी जाए ऐसी होती है, लेकिन वो आत्मिक रूप से कुछ समर्पित करता है, आत्मिक भाव से समर्पित करता है, और गुरु उसको स्वीकार करता है पूर्ण होने के बावजूद। जैसे पूर्ण होने के बावजूद कृष्ण उसके गुरु को स्वीकारते हैं, उसी तरह से गुरु पूर्ण होने के बावजूद भी वो स्वीकारते हैं। तो जगत ने अब तक जो स्वीकृति देखी अपूर्णता से देखी थी, जो कोई कुछ स्वीकार करता है तो वो अपूर्ण है सही माना जाता है, लेकिन ये जो स्वीकृति होती है वो पूर्णता से होती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जिसने हमको कुछ दिया, या तो जिनसे हमने कुछ पाया, उनको स्मरण करने का, उनके प्रति कृतज्ञता रखने का, उनके प्रति एक उपकार का भाव रखने का कि हमारे उपकार ही है, वो दिन ये गुरु पूर्णिमा का है। निश्चित उससे गुरु को कुछ फायदा नहीं है, गुरु को कुछ मिलना नहीं है, लेकिन निश्चित ही उससे जो घटित होता है शिष्यों में, उससे ज्ञान के नए द्वार खुलने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। ज्ञान के ऐसे कई द्वार खुलते हैं जो उस स्थिति आने से पहले कभी भी खुल नहीं सकते हैं, उसके कोई उपाय नहीं है, वो स्थिति लानी है तो ही वो बंद द्वार खुल सकते हैं, खुलते हैं। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है वो याद दिलाती है कि जो बंद द्वार हमारे बहुत सारे हैं, खुले बहुत कम हैं, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की मात्रा अनेकों गुनी है। तो ज्ञान की ओर, ज्ञान के पथ की ओर हमको जो ले जाए, इसके लिए गुरु बड़े बाल वाला होना चाहिए, बड़ी दाढ़ी वाला होना चाहिए, बड़े कुर्ते वाला होना चाहिए, या तो बड़ी ख्याति वाला होना चाहिए, ये सब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। गुरु को इससे कोई मतलब नहीं है, भौतिक रूप से गुरु ये किसी से संबंधित नहीं है। इसके लिए संस्कृत में निरपेक्ष शब्द मात्र एक ही है, वो है गुरु। कोई शिष्य की भी जरूरत नहीं है, शिष्य होता है तो ही गुरु होता है ऐसा नहीं है, शिष्य के बिना गुरु गुरु है। जैसे पिता
तब तक नहीं है जब तक पुत्र नहीं है उसका, पति तब तक नहीं है जब तक पत्नी नहीं है, लेकिन गुरु तभी से है पहले से ही, उसके चाहे शिष्य हो चाहे न हो। तो ये गुरु है ऐसा कहने पर जिज्ञासा शांत हो जाती है, ऐसा नहीं होता किसके गुरु है, लेकिन ये पुत्र है ऐसा कहने पर हम पूछते किसका है, गुरु किसके ये मतलब ही नहीं है। हो सकता है उसके कोई शिष्य हो सकता है न भी हो, वो शिष्य सापेक्ष नहीं है गुरु शब्द। तो वो जो बंध द्वार खोलने का, उसको याद दिलाने का एक अवसर है, जिस दिन गुरु को कुछ प्रदान देना है, कुछ करना है, वो इसलिए नहीं कि गुरु को ज़रूरत है, वो इसलिए होता है कि आदान और प्रदान का जो सृष्टि का नियम है, वो सृष्टि के नियम को पूर्णता दी जाए, न्याय दिया जाए, क्योंकि आज तक आदान करता है शिष्य, अब आज कुछ उसको प्रदान करना है, वो चाहे संकल्प के रूप में हो, चाहे कार्य के रूप में हो, चाहे कोई सेवा के रूप में हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो भौतिक रूप में हो, कि कोई गिफ्ट दे दे तो ही हमने गुरु को कुछ दिया, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा कुछ भी न दे, क्योंकि वो तो बहुत छोटी चीज़ है और वो तो हर कोई दे सकता है, तो ही ये आगे हम गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है, उत्सव है, उसको हम आगे ले जाए, उसको हम परंपरा के रूप में टिकाए, क्योंकि गुरु को हम हटा सकते हैं, गुरु तत्व को हम हटा नहीं सकते हैं, गुरु को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, उपेक्षित कर सकते हैं, गुरु तत्व को नहीं। तो ये समझ आने के कारण ये तिथि और ये महीना, ये सब की कल्पना की गई, गुरु को एक प्रस्थापित रूप में देखा गया यहाँ पर, ताकि वो कोई भी व्यक्ति, भगवान क्यों ना हो, वो भी जब यहाँ आते हैं तो एक की आवश्यकता उसको है, और वो है गुरु। क्योंकि ये सृष्टि में बहुत सारे ऐसे रहस्य है जो कोई ही बता सकता है, और शिष्य के हजारों विकल्प है, गुरु का कोई एक विकल्प नहीं है, वो अवैकल्पिक है, इसके लिए वो अनिवार्य है। अवैकल्पिक विकल्प है तो अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यहां पर विकल्प नहीं है, गुरु का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। माता का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसका भी नहीं है, गुरु का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अवैकल्पिक होने के कारण वो अनिवार्य हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे गुरु का प्रवेश हो जो सही अर्थों में गुरु का स्थान और गुरु का मान को, गुरु के मान को न्याय दिलाते हो, तो ऐसे गुरु का हमारे जीवन में प्रवेश हो, ऐसे गुरु हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन ही कुछ बदलने लगता है, हमारे जीवन में ही कुछ बदलाव आने लगते हैं, हमारे जीवन को एक नया मोड़ मिलता है। तो ऐसे गुरु अनेक है, अनेक हो सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरी अनुभूति जहाँ पर है, मेरा श्रद्धा स्थान जहाँ पर है, वो विश्वनाथ गुरु जी है, जो आज लगभग सबके लिए एक गुरु तो अनिवार्य हो गए हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रदान करने के लिए, या तो जीवन के वो दिशा जो आज बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही कठिन थी, या तो कहे अशक्यवत थी, वो दिशा पर आगे ले जाने के लिए उसका प्रदान कहे, या तो उनका जो मार्गदर्शक कहे, कुछ भी कहे, लेकिन ये ऐसी है कि उसको भूला नहीं जा सकता है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। तो ये जो प्रदान गुरुजी ने किया है, उसको आज हम याद करेंगे, और आज के दिन याद करके उनको हम नमस्कार करेंगे। नमस्ते।
चैतन्य।